हेलो दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है और इस वीडियो में बात करूंगा 8th पे कमीशन के बारे में। दोस्तों, ऑल न्यूज कोटेसी टू एमपी ब्रेकिंग न्यूज पूजा जी को। देखिए दोस्तों, ये इनके लेख से लिया जा रहा है ये कुछ डेटा। दोस्तों मैं अपनी बातें कुछ पुट करूंगा। देखिए दोस्तों, एज पर न्यूज सोर्सेस जो इनके मुताबिक है कि 8th पे कमीशन का गठन जो है वो बहुत जल्द हो जाएगा और इससे जो सैलरी है उसमें काफ़ी ज़्यादा उछाल आएगा। देखिए दोस्तों, 2026 से पहले 8th पे कमीशन लागू कर दिया जाना है और इसके संबंध में न्यू सोर्सेज की माने तो अब इसका गठन अब होने को है। इससे पहले फरवरी 2014 में इसका गठन किया गया था और 1 जनवरी 2016 से जो पे कमीशन लागू कर दिया गया था। देखिए दोस्तों, हर 10 साल में पे कमीशन आया करता था, लेकिन मैं आपको एक बात और ऐड करा के बता दूँ कि जो 2016 का पे कमीशन था उसमें DA जो मर्जर है उसकी भी बात नहीं थी और ये भी बात नहीं थी कि 10 साल बाद पे कमीशन आएगा ही आएगा। हाँ, ये बात ज़रूर मेंशन थी या फिर इस बात को ज़रूर रखा गया था, कंसर्न किया गया था कि 10 साल का वेट नहीं किया जाएगा, बल्कि 10 साल से पहले भी यदि गवर्नमेंट को लगता है, जब भी कभी कैसा भी लगता है, तो वो उसके इंडेक्शन पे जो इंडेक्स रहता है 1, 2, 3, 4, 5 जितने भी इंडेक्स चलते हैं ग्रेड पे के स्थान पे, उस पर सुधार गवर्नमेंट कर सकती है। तो देखना होगा कि क्या कोई इंडेक्स पे सुधार करती है। डीए मर्जर तो बिल्कुल नहीं होने वाला है। तो वही इस न्यूज सोर्स की माने तो जो 8th पे कमीशन है इसको लेके गवर्नमेंट प्लानिंग कर रही है, शुरू कर रही है, इसे तैयारी इसकी शुरू कर रही है। देखिए दोस्तों, यदि पे कमीशन आता है तो बहुत ज़्यादा सैलरी इंक्रीज होगी। बेसिकली आप मान सकते हैं कि 35-40% अप्रॉक्स आपका जो ऑन एन एवरेज सैलरी ग्रोथ है वो हो जाएगा, काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा इस पे कमीशन से। और आप ये भी देखेंगे कि जो भी यूनिफाइड पेंशन स्कीम, इसका गजट अभी आना बकाया है, तो जो इसकी पेंशन रहेगी उसमें भी ये पे कमीशन का इफेक्ट हो सकता है। तो काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को हैं और आप इसी साल लास्ट तक आप काफ़ी सारी चीज़ें देखेंगे। 8th पे कमीशन गठन के लिए कई सारे प्रस्ताव गवर्नमेंट के पास जा चुके हैं। ऑफिशियल तौर पे जो गवर्नमेंट की तरफ से रिप्लाई आया था तो आया था कि 8th पे कमीशन पर कोई विचार नहीं चल रहा है। तो मे बी कि जो दूसरा फार्मूला है जो इंडेक्शन का है, जो इंडेक्स का है, उसको बढ़ाने का पे इंडेक्स का, गवर्नमेंट उस पर विचार कर सकती है। डीए जो मर्जर है उस पर बात नहीं बनी, मतलब वो नहीं लाएगी गवर्नमेंट, तो बीच का रास्ता कोई इसमें भी आ सकता है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि 8th पे कमीशन या फिर जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ का मूल वेतन है वो बढ़ने के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर चल रहा है, जो कि सोर्सेस ये बातें सामने आ रही हैं। दोस्तों, कोई भी अपडेट होगी, कुछ भी होगा, मैं लाता रहूँगा। धन्यवाद।